अरे देवा, कहाँ जा रही तू देवा? अभी इसे क्या हो गया? अभी ये यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता चलेगा। अभी आओ आप मेरे साथ। ए मानव, मानव। अब मौसी कहाँ है मानव? आप जानती है मानव को, बुलाइए ना उसे, बुलाइए ना। वो रहा मानव, मानव। ठीक तो है ना? तुझे कुछ चाहिए? देवा, तू मानव नाम सुनकर भागा क्यों? और उनसे मानव के लिए क्यों पूछ रहा था? पता नहीं। तू जानता है किसी मानव को? मालूम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या आप भी? एक तो ये पहले से परेशान है और आप इसे और परेशान कर रहे हो। और देवा तू खाना आधा छोड़ के आया है ना? चल पहले अंदर चल और खाना खा ले, आ जा। तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानने लगा। तुम्हें तुम्हारा परिवार याद आ रहा है। भाई सारे फोटो इसी के साथ खींच लेगा, इधर आ जा। गुड मॉर्निंग सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? भाई वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, आ जा तू भी। भाई साहब आप जाओ, फोटो भिजवा देना। सर जी आप तो बुरा मान रहे हैं। भाई बुरा ना मानू तो क्या करूं, टोल में जाऊं पंगड़े पाऊं है? भाई एक तो बालवीर ने मेरा सारा काम खराब किया हुआ है और पार्क पे कब्जे करके मैं बिल्डिंग ही बना नहीं पा रहा हूँ। तो बिल्डिंगों की इन फोटो के साथ अपनी फोटो खिंचवा के खुश हो रहा हूँ बस। तो सर जी आप फोटो छोड़ो और सचमुच की बिल्डिंग बनाने की तैयारी करो। नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? भूल गया पिछली बार जब मैंने पार्क पे कब्जा करके बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी तो बालवीर ने मेरा क्या हाल किया था? जाओ बंद करो भागना दौड़ना, खाली करो जगह, खाली कर। मानवानी ये देख, ये है वो पार्क जहाँ पे बनाऊंगा मैं अपनी नई बिल्डिंग, हैप्पी अपार्टमेंट। ठीक है ना? ठीक है? नहीं ये ठीक नहीं है। ओए ओए भाई साहब, पहले मेरे को ये बताओ आप कौन हो और ये पार्क की जमीन पे बिल्डिंग बनाना गलत क्यों है बताओ? ये बच्चों के खेलने की जगह है। ओ इसलिए तुम यहाँ इमारत ना ही बनाओ तो अच्छा है। हाँ नहीं तो हम खेलेंगे कहाँ? और खेलने की प्रॉब्लम है? और ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मैं इस पार्क पे कब्जा करके अपना टावर खड़ा करूंगा ना तो नीचे एक छोटा सा कमरा भी बना दूंगा तुम्हारे खेलने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व, काफी है इतनी जगह है? लगता है ये हैप्पी सिंह ऐसे नहीं मानेगा। ओ हैप्पी सिंह तो कैसे भी नहीं मानता, जो उसने करना होता है वो करके रहता है। बालवीर मुझे लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा सबक? आप सही कह रहे हैं। बच्चों की जीत हो पक्की, बन जाए हैप्पी सिंह मधुमक्खी। बालवीर ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? बालवीर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ओ बालवीर ये क्या कर दिया? क्यों अब ठीक है ना? ओ बालवीर मैं तो इस पिंजरे में हिल भी नहीं पा रहा, मैं तो बड़ा छोटा है। तो सोचो इतने सारे बच्चे छोटे से कमरे में कैसे खेलेंगे, उनका विकास कैसे होगा? अरे अगर पार्क नहीं होगे तो लोग पेड़ कहाँ लगाएंगे, बच्चों को साफ हवा कहाँ से मिलेगी? और बच्चों की सेहत को नुकसान, उन्हें खेलने ना मिले तो बालवीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। मैं समझ गया बालवीर, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे पब्लिक को नुकसान हो। मैं किसी पार्क पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। वही उस दिन मधुमक्खी तो मैं बना था मगर डंक मेरे को ये सब मार रहे थे उस बालवीर की वजह से। तब से बेचारे मेरे ये मॉडल ऑफिस में ऐसे ही पड़े जंक खा रहे हैं।
और इनको छोड़, तू बता तू अब तक कहाँ था? सर जी मैं आपके लिए दो खबरें लेके आया हूँ। अच्छा, एक अच्छी और एक बुरी, बताइए पहले कौन सी सुनाऊं आपको? अरे बुरी शक्ल वाले, बुरी खबरें तो हमेशा ही सुनाता है तू, आज कुछ अच्छा भी सुना दे। ओके सर जी, तो अच्छी खबर ये है कि मैंने आज टीवी पे देखा कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता, क्योंकि बालवीर अब है ही नहीं। ओए सच्ची, ओ सच कह रहा है तू? डर हो जाओ, पंगड़े पाओ, और पंगड़े पाओ, और मिठाई बांटो, और पूरे ऑफिस में और लड्डू मंगाओ, लड्डू, और मैं मंगाता हूँ, एक मिनट मेरी मैडम, और मिठाई मंगाओ पूरे ऑफिस के लिए, लड्डू खिलाओ सबको, और मजे करो, और अब बनाऊंगा मैं बिल्डिंग है पार्कों पे कब्जा करके, और मजा चखाऊंगा उन सात सच्चों के परिवार को। उनके कहने पर बालवीर वहां आया था ना, और मेरी बड़ी बेइज्जती की थी उसने, अब देखता हूँ कि कौन रोकता है मेरे को। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप बुरी खबर तो सुन लीजिए। और बुरी खबर छोड़ यार, तू ना मेरे को आज गजल सुना, और मेरे को पॉप सुना, और मेरे को ठुमरियां सुना। ओए नहीं, आप पहले बुरी खबर सुनो। सुना तो बुरी खबर ये है कि बालवीर अब बच्चों के बुलाने पे नहीं आता। ले चला है तू, और ये बुरी खबर नहीं है तो अच्छी खबर है। बालवीर की जगह अब बच्चों के बुलाने पे जयवीर आता है, और जयवीर बालवीर से भी ज्यादा खतरनाक है सर जी। लड्डू कैंसल। जयवीर, तुम्हारे होते हुए उन बच्चों ने बालवीर को याद कैसे किया? कैसे चढ़ाई उन्होंने वो श्रद्धांजलि बालवीर के लिए? मैंने तो उन्हें रोका था, लेकिन लेकिन क्या जयवीर, क्या जयवीर, क्या जयवीर, तुम बुराई की मिट्टी से बने हुए मेरे सबसे शक्तिशाली हथियार हो इस वक्त, और वो थोड़े से बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे। जयवीर, अगर इतने से बच्चे तुमसे नहीं डर सके तो पृथ्वी लोक के सारे बच्चे तुम अपने बस में कैसे करोगे? परी भयंकर, अगर है करना पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को वश में, तो बना दीजिए मुझे अपना प्रधान। जयवीर कान खोल के सुन लो, भयंकर परी के इस बुरे खेल में कमजोर खिलाड़ियों की कोई जगह नहीं है। मुझसे जो भूल हुई है भयंकर परी, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों ने जो गलती की है उन लोगों को मैं उसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ, सजा दो, और ऐसी सजा दो कि जितना उनके दिल में बालवीर के लिए प्यार है उतना ही तुम्हारे लिए डर पैदा हो जाए, तुम्हारा नाम सुनते ही वो थर थर कांपने लगे, इतना डर कि जागते हुए तो क्या नींद में भी बालवीर को याद ना करे। ऐसा ही होगा भयंकर परी, ऐसा ही होगा। सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे हर समय लगता है कि मेरी मंजिल कहीं और है, मेरा मकसद कुछ और है? क्यों मुझे लगता है कि हर समय कोई मुझे याद कर रहा है और अपनी ओर बुला रहा है? क्यों? अरे देवा आना, तू भी खेल हम लोग के साथ। नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। अरे आना, बहुत आसान है, हम तुझे सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा बेट, हाँ बताओ कैसे खेलते हैं? देख, इसे स्ट्राइकर कहते हैं, इन गीतियों को इन छेदों में डालना होता है, देख ऐसे। ले अब तेरी बारी। अरे चल खेलना, खेल तेरी बारी।
तो कह रहा था कि तुझे खेलना नहीं आता, तूने ये कैसे किया? पता नहीं। सब मुझसे कैसे हो जाता है? कैसे? मानव, तू तो गया। बोले शौर्य। क्या हुआ मानव? तू बॉल पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो क्या है ना हरपल, मेरा खेलने में मन नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है मानव। हाँ मानव, मुझे बालवीर की बहुत याद आ रही है। हाँ बालवीर नहीं, हमने अपना सबसे प्यारा दोस्त खोया है। है तुम्हारी बात सही मानव, लेकिन सोचो अगर रहेंगे हम उदास तो क्या बालवीर रहेगा खुश? हाँ बालवीर तो हमेशा बच्चों को खुश देखना चाहता था। चल मानव, फिर तो हमें जरूर खेलना चाहिए। चल खेलते हैं। चलो चलो। से कोई भी यहाँ नहीं खेलेगा, क्योंकि आज से तुम लोग का यहाँ पे खेलना बंद। तो जाओ यहाँ से। चलो। क्यों जाएं यहाँ से? हाँ? क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ पे आज से हम और हमारे दोस्त खेलेंगे, और हमारे दोस्त वो होंगे जो हमें पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएंगे। गलत जवाब। सॉरी। तू बता। मतलब हमारे साथ शरारती करेंगे। और तुम जैसे अच्छे बच्चों को परेशान करेंगे, है ना? ज़्यादा हंस मत, मैं शिकायत कर दूंगा। अच्छा? उतनी तो कर दे ना, लेकिन आज से तुम सबका यहाँ खेलना बंद, क्योंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ रोहित से, केवल से। मैं डरता हूँ तो सिर्फ बालवीर से, और वो तुम्हारे लाख बुलाने पे भी यहाँ नहीं आने वाला। हाँ जानते हैं हम कि अगर होता बालवीर तो नहीं होती तुम्हारी हिम्मत हमें यहाँ खेलने से रोकने की। बालवीर नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए ये लोग तुम्हें यहाँ खेलने से नहीं रोक सकते। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है? क्यों हर समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है, पर मैं नहीं जानता कि वो कौन है और क्यों मुझे बुला रहा है। काश काश मुझे सब याद आ जाए, काश मैं समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे देवा, बोल देना हम लोग का। हाँ मैंने तो धीरे से फुटबॉल को मारा था, तो फिर ये कैसे हुआ? मैं भी ना, मैं अभी उन बच्चों को जाके देखता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मानव,
जयवीर, तुम सच में इन अच्छे बच्चों की मदद करोगे? हाँ, मैं अच्छे बच्चों का दोस्त और बुरे बच्चों का दुश्मन हूँ। मेरे होते हुए इन बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, समझे? अपना तो बैड लक भी खराब है। तुम सच कह रहे हो जयवीर, तुम हमें इस पार्क से नहीं निकालोगे? नहीं मानो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, उड़ने के लिए आसमान भी देना चाहिए। और बच्चों, मैं कल की गलती के लिए तुम सबसे माफी भी मांगता हूँ। अपना हाथ आगे करो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। हे, अब हमें बहुत खुशी कि बन गए हो तुम बच्चों के दोस्त। जयवीर बदल गया? अरे बदलना तो तुम्हें पड़ेगा और भूलना पड़ेगा अपने उस बालवीर को। और तुम सब कल की गलती के लिए माफी मांगोगे उससे। अरे वाह जयवीर, ये अच्छा आइडिया बच्चों को हवा में उड़ाने का। लेकिन बड़ी बात तो तब होगी जब तुम रोनी को हवा में उड़ा के दिखाओ। शट अप इडियट, डोंट एंग्री रोनी। ओके। अरे गिरेगा। प्लीज जयवीर, हमें नीचे उतार दो। प्लीज जयवीर। हाँ, मैं बहुत डर लग रहा है। प्लीज नीचे उतारो जयवीर। मुझे चक्कर आ रहे। जयवीर उतार दो हम सबको नीचे। ओह, तो तुम सबको नीचे उतरना है? ठीक है, उतार देता हूँ। हे नटखट परी, शैतान बच्चे बन जाए सारे, इनके हाथ से छूट जाए गुब्बारे। बुरा बनाना है इन अच्छों को, अटका दे सब बच्चों को। जयवीर, प्लीज हमें नीचे उतारो। प्लीज जयवीर। तो ठीक है ना फुके? ठीक है ना? अगली बार जयवीर से होशियारी की तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। और चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ खेलने मत आना, समझे? जाओ 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 जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.